अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। ये है डैलस मुस्लिम फेस्टिवल। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10,000 मुस्लिम्स जो कि डैलस फोर्ट वर्थ के एरिया में रहते हैं वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है, मेनली बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी राइड्स वगैरह हैं। बहुत बड़ी जगह है ये, पार्किंग को देख के आपको अंदाज़ा हुआ होगा। बहुत बड़ा ये रैंच है जो कि बहुत कॉमन है टेक्सास में, वेस्टर्न यूएस में, कनाडा में। बेसिकली ये फार्म भी कहलाता है जहाँ पे जानवर वगैरह पाले जाते हैं और उन्हें रेस किया जाता है। तो काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ा फार्म है ये। पूरे दिन का प्लान है, बहुत कुछ है बच्चों के लिए। लाइव शोज़ हैं जिसमें मैजिकल शो है, क्लाउन शो है, मंकी शो है। उसके बाद नमाज़ की अलग जगह मख्तस की हुई है इन्होंने और अज़ान भी हुई है। देख सकते हैं आप लोग काफ़ी इंतज़ाम के साथ आएँ, कैंपिंग और पिकनिक का सामान लेकर आएँ क्योंकि शाम में जो है वो फायरवर्क्स भी है। लेट्स सी मैं कब तक यहाँ पर रहता हूँ, अगर देर तक रुका तो ऑफकोर्स आपको फायरवर्क्स भी दिखाऊँगा। أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد और यहाँ पे फ्ली मार्केट का भी बहुत बड़ा सेटअप है जहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं और ज्वेलरीज हैं, होम डेकोरेशन का सामान है और बहुत से मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी ना किसी शक्ल में मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, उनके भी स्टॉल हैं।
जबरदस्त शॉपिंग चल रही है लोगों की, एज यू कैन सी ऐसा लगता है चांद रात है आज। ये फेस्टिवल जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया है उसे इंटरनेशनल सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका या इकना भी कहते हैं, और इसकी फॉर्मेशन यूएस में 1968 में हुई थी। कहते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अबुल अला मौदूदी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जमात इस्लामी की तरह है। हाउएवर इट इज़ अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। मुसलमानों का कोई भी प्रोग्राम जो है वो खानों के बगैर पूरा नहीं होता, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि टेक्सास के सराउंडिंग में है, वो उनके स्टॉल यहाँ पे आपको मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या बीफ है? डैलस में इतने मुस्लिम्स हैं कि खाने की बहुत वैरायटी है। इट डजंट मैटर आप क्या खाना चाहते हैं, आपको हलाल मिल सकता है, चाहे वो फ्राइड चिकन हो, इवन केएफसी भी हलाल है यहाँ पे, और देसी रेस्टोरेंट तो हैं ही। उसके अलावा अरबिक खाना खाना है आपने, तुर्किश खाना खाना है, चाइनीज खाना है, थाई, मैक्सिकन, जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। इतना रश है, ना तो खाना मिल रहा है और ना ही कोई भी राइड मिल रही है, क्योंकि क्यू बहुत लंबी है। ये मेरे पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं ये बिरयानी, टिक्का और नान लेने की लाइन है। गर्मी भी ठीक ठाक है, और अभी मेरी नज़र पड़ी है गन्ने के जूस पे। कैन यू इमेजिन, यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरे पीछे आप स्मोकी डी का कियोस्क देख सकते हैं, जो कि बीफ ब्रेस्केट और रिब्स वगैरह के लिए काफ़ी मशहूर है टेक्सास में। ये वैसे हलाल नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो है वो हलाल है, और यही मैंने ट्राई करना है। और आप देख सकते हैं इसके पीछे लाइन कितनी है। टेक्सास वैसे बारबेक्यू के लिए बहुत मशहूर है। कहते हैं बाकी जगहों पे जो ब्रिस्केट है या रिब्स है वो पोर्क का होता है, लेकिन टेक्सास में वो बीफ का होता है। बीफ भी हो और ऊपर से हलाल भी हो तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आई एम गेटिंग इन द क्यू, लेट्स सी हाउ इज द टेस्ट। Melting in the mouth. सही मानों में मुस्लिम फेस्टिवल है, नशीद चल रही है, अजान हो रही है, लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, कोई गाना शाना नहीं है। सारे ऑप्शन है खाने के, समझ नहीं आ रहा अब क्या ट्राई किया जाए। तो अब बीफ ब्रिस्केट के बाद बारी है थाई की, सो लेट्स गो एंड ट्राई सम थाई फूड। यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है।
ये है मंगोलियन बीफ और ये है सी सेम चिकन। ये है मंगोलियन बीफ, ये ट्राई करते हैं पहले। रियली गुड। बस अब ट्राई करते हैं सी सेम चिकन। दोनों ही अच्छे हैं लेकिन मंगोलियन बीफ इज द बेस्ट। ऐसा लग रहा है कराची में घूम रहा हूँ। इतने देसी हैं, इतने मुस्लिम्स हैं, जरा भी फील नहीं हो रहा है कि ये अमेरिका है। ये जगह भी फूड कोर्ट की तरह है, यहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। ऑल राइट फोक्स, इट हैज़ बीन एन हेल ऑफ अ डे। अभी भी वैसे ही गहमा गहमी है, अब बहुत लोग हैं अभी भी। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, हैव अ ग्रेट डे।